चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार अक्षय कुमार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर देते जा रहे। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुट गया है। जी हां, अक्षय कुमार की बैटल ऑफ सारागरी वाली फिल्में की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। पिछले दिनों खबर आ रही थी कि यह फिल्म डिब्बा बंद हो रही है। वजह थी सलमान खान ने इस फिल्म से हाथ पीछे कर लिया था, क्योंकि उनके क्लोज फ्रेंड अजय देवगन भी इसी विषय पर फिल्म बनाने जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अक्षय कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि यह फिल्म बन रही है, फिल्म डिब्बा बंद नहीं हुई है। हाँ, सलमान खान अभी भी इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं, इस बात को लेके अभी भी कंफ्यूजिंग जारी है। पर अब एक नई खबर आ रही है कि इस फिल्म का नाम केसर रखा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार की यह फिल्म इसी नाम से आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी तक किसी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। साथ ही साथ अजय देवगन की तरफ से भी यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि वह अपनी फिल्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर राजकुमार संतोषी भी इसी विषय पर फिल्म बना रहे हैं। वैसे अब बताया जा रहा है कि राजकुमार शायद इस विषय पर पीछे हट सकते हैं। ऐसे में आप देखना दिलचस्प होगा कि वाकई इस फिल्म की शुरुआत कब होती है, फिल्म फ्लोर पर कब जाती है, क्योंकि अब तक फिल्म की मेकिंग कोई भी सूचना सामने नहीं आई और ना ही धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्म को लेकर किसी तरीके की हलचल है। फिलहाल अक्षय कुमार अपने अगले फिल्म पैडमैन और गोल्ड में जोर शोर से व्यस्त हैं।